लड़की मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली यार। यदि किसी को थाईलैंड जाना हो ना तो बताना भी हमें को, हम मैं जाऊंगा ना तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। खत्म हो गए बाल। आदिवासी मजा नहीं। त्रिचा बहुत अच्छा लगा ना तेरे को? खोप प्याज का रस मिला के क्या तेरे मम्मी की जबान काट दे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। तो फिलहाल अभी 12:06 हो रही, अभी मैं जा रहा हूँ भैया ठाणे पे, कुछ अर्जेंट काम से जा रहा हूँ भैया ठाणे पे जा रहा हूँ भैया पासपोर्ट के लिए। और मेरे आगे एक भयंकर तगड़ी चीज़ चल रही है जिसको दिखाने के लिए मैं आपको भयंकर बेताब हो रहा हूँ। बहुत तगड़ा लग रहा है भैया, बहुत तगड़ा नहीं कोई पूरे बदल डाला। बहुत प्यारी भैया ये देखो भैया, स्कॉर्पियो 11S11 न्यू टॉप मॉडल है। उसको एलॉयज बदल दिए, टेल लाइट बदल दी, पूरा ब्लैक जेट ब्लैक कर दिया। को नहीं होगा भैया जब घर को नहीं लेकर के लाया, मस्त बहुत प्यारे लग रही है भैया। साइड से एलॉयज देखो, एलॉयज दिखाना है भैया आपको तो। मेरे को खुद को एलॉयज देखना है इसके। अभी सुबह से मेरे को ये चीज़ दिख गई, मैं अपने थार के भी एलॉयज बदलूँगा, फिर मैं 100% बदलूँगा आप तो। मैं तो लाइट तो देखो क्या तगड़ी लाइट लगा के रखी इन्होंने भाई ने, बहुत प्यारा बना के रखा गाड़ी का। ओ भाई इंडिकेटर तो देखो इंडिकेटर तो देखो बहुत। और एलॉयज देखो, पैसा लगाया ले भैया ने, 3-4 लाख रुपए तो गाड़ी में लगाए भैया, जब जाके गाड़ी से तगड़ी लग रही है। कहाँ भटक रहे हो तुम यार? इतनी धूप में किधर, लड़कियों के चक्कर में? लैब के ओपनिंग में जा रहा हूँ। अच्छा लड़की मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो गए। हम लोग भी अच्छे हैं, आप सब भी अच्छे हो गए। तो गाइस फिलहाल आज है संडे और आज देखो अभी टाइम क्या हो रहा है भैया, 12:20 हो रहे हैं। यहाँ पर सारे लोग घर पे नहा लिए और पापा तो सुबह से चले गए भैया इंदौर, क्योंकि वहाँ पर कुछ काम था। पर सौरभ थोड़ा बिजनेस का काम था, मतलब हमारी शॉप का, वहाँ पर कुछ कंपनी के लोगों ने बुलाया था। अब क्या काम है मेरे को डिटेल में तो नहीं पता, बस जितना मम्मी ने बताया उतना मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। फिलहाल घर का तो सारा ही काम हो गया भैया, अब बैठे हैं बिल्कुल फ्री होकर के। और कर्मा जी सुबह उठे, नहाए तो नहीं फिलहाल, आराम से बढ़िया से हाथ मुँह धो लिए, ब्रश व्रश करके फ्रेश होके चेंज कर लिया, तैयार होकर के गए हैं पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन गए हैं, वहाँ पर उनको कुछ काम है, जो अभी पासपोर्ट के लिए गए थे ना इंदौर, तो उसी चीज़ के लिए वहाँ पर बुलाया गया है फ़ोन लगा करके। अब देखो होता है नहीं, या फिर नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे या फिर थोड़े टाइम बाद बुलाएंगे, जो भी होता है पता चल जाएगा, अभी आएंगे। फिलहाल हमारे दादा यहाँ पर अभी लेट करके आराम कर रहे हैं और इधर रेडियो में गाने चल रहे हैं, मैं ख्वाबों की शहजादी में हूँ हर दिल पे छाई। दादा का खाना हो चुका है, और मार ले बेटा, और मार ले, डंडा ला दो छोटे भाई को मारने के लिए। तो तू रोने क्यों लग जाता है? तू रो के ले जाता है, वो लड़के ले जाता है तेरे से। छोटा भाई है बेटा, ये काम तो होते हैं भाइयों में, बहनों में, भाई बहनों में सब में होता है ऐसा काम, पता है। वैसे फिलहाल आज के हम सभी में कॉमन बात देखो, रेड 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 रेड, सारे ही लाल बंदर बन के घूम रहे, क्या बात है अद्विक? आप भी। अरे यार तो मैं बंदर थोड़ी हूँ। आप भी लाल पहने हो। तो मैं बंदर थोड़ी हूँ। आप पे चला कैमरा पता था? हाँ गाइस मैं भी रेड पहने हूँ, देख लो। क्यों चिकू? सारे रेड पहन के घूम रहे हो, सारे लाल बंदर बन गए है ना? और मैं कैसे लग रही हूँ? आप अच्छे हो। सच में? थैंक यू। आप ही लाल बंदर। बेटा बंदर तो नहीं हो सकती, मैं बंदरिया बोल सकता है तू मेरे को? बंदरिया हो आप। बंदरिया बोलेगा मेरे को? माँ को बंदरिया बोलेगा? टोटे टोटे कर दूंगी। हाँ हाय गाइस, हेलो गाइस, हमारा बम्मा डोल डोल के मट्टी कर लाए। और अभी कुछ दिनों से ना तो हम विद्युत के कारण इतने परेशान हो गए हैं कि पूछो मत। ये देखो सोफे का कवर हटा करके यहाँ फेंक के रखा है उसने। करता क्या है, सोफे का कवर यहाँ से हटा लेता है, देखो यहाँ से निकाल लेता है, इसके अंदर पैर डाल के बैठ जाता है यहाँ पे, और फिर इसको ऐसा ओढ़ लेता है कवर जैसा, मतलब सॉरी ब्लैंकेट जैसा। और मैंने मना किया तो बोलता है ए मेरे को बोलेगी, मैं ओढ़ेगा, हट जाओ। तो मैंने उसका कवर ही हटा दिया, भाई रहने दो अब ऐसे ही बैठो। जगह जगह सुसु करना, ये देखो उसका सबूत है यहाँ पे। और बस डब्बे में से जाना, नल खोलना, पानी भर के लाना और यहाँ पर पूरा फेंक देना।
इतना गद्दा हमारा हमेशा गीला रहता है, ये अभी अभी सुखा हुआ है, ये हल्की सी नमी है। सुबह से पानी फेंक दिया उसके ऊपर भी। कहीं घूमने चले? कहीं भी, गोवा, सिंगापुर, अमेरिका, इटली, चाइना, गोवा चले? पैसा है, पैसा मेरे पास गुल्लक में तो जैसे कलोलो लुपे लखे हैं यार, पर मेरे छोले का दिल बहुत कलोलो का है। जो भी काम लेता है, जब भी कुछ काम रहेगा, कुछ चाहिए होगा उसको या कुछ खाना रहेगा, अपन बोलते नहीं बेटा अपन नहीं लेते, रहने दो, पैसे नहीं है ना अपने को, जाता फिर पैसे खर्च हो जाएंगे, घर पे खा लेंगे कोई भी चीज। मेरी गुल्लक में है ना पैसे, ले लो, क्या दिक्कत है, मैं दे रहा हूँ ना, खाओ खा लो। कोको नाला कहाँ है भाई हमारी, इनको देखो। हाय नाला, ये बहुत शांत है भैया, और ये उतनी ही उत्पाती, ये समझ लो हमारे अद्विक विदित की वो ही है, जीरोक्स कॉपी। हाय नाला, कैसी हो, अच्छी हो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। हाय कोको, हाय कोको, अच्छा। अभी वो दोनों तो आराम कर रहे हैं, उनको आराम करने देते हैं, क्योंकि अगर विदित को पता चल गया ना कि वो खुली हैं और आराम से बैठी हुई हैं तो बस दोनों का जीना मुश्किल कर देगा। और फिलहाल 12:30 बज गई, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैंने गर्मा जी को बोला, सोचा था कि जैसे ही उठेंगे सबसे पहले खाने का बोलूँगी, पर पता ही नहीं था कि उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। तो अभी उठते से फटाफट से नहाए भी नहीं, हो तैयार होकर के गए पुलिस स्टेशन, अब जब आएंगे वहाँ से फ्री होंगे फिर खाना खाएंगे भैया हम लोग। ओ भाई, पकड़ ही लिया आखिर में उसको जा कर के, बात करने से बच्चे सुन ही लेते, उनका ध्यान अपनी बातों में रहता है। देखना अब कैसा दबाएगा उसको। क्या पिलाना है बिल्ली को? क्यों विदित? विदित क्या पिलाना है बिल्ली को? देखो उसके भाई को कप देके बोल रहा है, भैया दूध पिला और बिल्ली को दूध पिला। ए मुंह से मुंह मत लगा, तेरे किए नहीं मेरे किए, मेरे को दे दे, मेरे किए मेरे को दे दे, मेरे किए मेरे को दे दे, मेरे को दे दे ना विदित। हे गाइस, तो फिलहाल अभी 1:05-10 की देरी है, गए और वहां से वापस आए भैया, क्योंकि वहां पे जैसे गए सर को फोन करा, सर हम आ गए, सर बोले यार मैं तो बाहर आ गया, बोला फिर सर कब आए, तो बोले अब 1:30 तक आ जाना। फिलहाल खाना खाते हैं, 1:30 तक वापस सर को फोन करेंगे, फिर वापस जाएंगे भैया पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट कितना, 15 को गए थे, आज कितनी तारीख है यार, शायद 21 होगी शायद आज 21, तो मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर अपना पासपोर्ट बन के इधर आ गया है भैया। चलो अच्छी बात है, अब कंपनी में देने जल्दी देना था तो जल्दी देने मिल जाएगा। ओए होए विदित का सीन नहीं चरका लगेगा अब तुमको, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, जल्दी इधर पूरी पूरी भर दे पूरी, चरका लग गया। मेरा बेटा ना फीका वाला सैंडविच खाएगा म्यूनीस है इसमें। हाँ ये देखो भाई, मिर्ची जबरदस्ती खिलो उसने मेरे को, क्योंकि मैंने उसको चरका खिला दिया था ना इसलिए। यम्मी यम्मी, देख चाटो उंगली से चाटो, टेस्टी है। ठीक है, तो फिलहाल अभी 6:30 आए हैं भैया छत पे, पानी की बूंदे लग रही, जैसे अभी कैमरा उठाया मेरा पानी की 2 बूंदे, एक बूंद इधर लगी, एक बूंद इधर गीला है, आ जाए भैया पानी मजा आ जाएगा। मौसम देखो ऊपर का पूरा बारिश बारिश का हो रहा है, साथ में हमें ना यहाँ ऊपर लेके आए बच्चों को, क्योंकि तो यहाँ पे ना सब सजा के रखा है, देखो यहाँ पे शादी है, शादी की बारात की बस भी खड़ी है भैया, कोई की शादी है तो बस आइए, डुल्लुक बज रहा है, विदित ऊपर लेके आया मेरे को, पानी आ सकता है एकदम, मस्त पानी की बूंदे 2 बूंदे लगी मेरे को, मजा आ गया एकदम, भयंकर पानी आएगा तो नहा लूँगा मैं तो आज, मैं तो आज मस्त फॉर्मल पहन के पहनाऊँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे जाना था ना अपने थाने पे, मतलब कोतवाली जो क्या बोलते हैं, यही बोलते ना शायद,
तो वहाँ जाना था, वहाँ पे वेरिफिकेशन कराना था, अपना पासपोर्ट लेना था। पासपोर्ट मिल जाता ना तो मैं आज कंपनी वालों को बोल देता भैया पासपोर्ट रेडी है, आप सिर्फ बताओ ट्रिप कब निकलने वाली है, हम निकलते भैया। यदि किसी को थाईलैंड जाना हो ना तो बताना भैया मेरे को, हम मैं जाऊँगा ना तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, सही रहेगा। यदि हम एक एक ग्रुप रहता है पूरे एक ही जैसी गाड़ी रहती है, एक गाड़ी के अंदर सब जन जाएंगे, पूरा थाईलैंड घूमेंगे साथ में। किसी को भी ज्वाइन करना हो थाईलैंड की ट्रिप तो बता देना भैया, हमारे ग्रुप के साथ में आप ज्वाइन हो जाओगे। अपन बारिश में नहाएंगे। आने तो दो बारिश। हाँ। ये देखो विदित भैया कैसा घूम रहा है, इसको मस्त। अरे पूरा मिट्टी के अंदर है ना, पूरा गंदा हो गया था, मम्मी ने उसको नहलाया, कपड़े नहीं पहनना है, चड्डी जैसे तैसे भी नहीं हमने उसको। आ रहे ना बारिक, मेरे को भी लगे आ जाए एक बार का पानी मस्त वाला तगड़ा, नहा लेंगे अपन। ठीक है, तो फिलहाल ये देखो अपनी अपने पास स्कॉर्पियो थी ना तो उसका टायर है भैया, अपने स्कॉर्पियो का पुराना हो गया है पर है भैया, इसके अपन है ना रस्सी बांध के बैठने का बना सकते हैं। देखो भैया यहाँ पे स्केटिंग कैसी पड़ी है, मैं इसको ना बचपन में चलाता था, बहुत चलाता था स्केटिंग, चलाते थे स्केटिंग, अभी भी अच्छे से साफ करना है। और ये साइकिल है देखो, ये पापा के दोस्त की साइकिल है, पापा ले आए थे, पूरी कबाड़ा हो गई। ये देखो मेरे पास बाइक थी ना करिश्मा आर, तो उसका मार्काट हमेशा मैं निकाल के रखता था, टायर बड़ा अच्छा लगता है था गाड़ी के अंदर। मेरा मन करता है क्या, मेरी जो हिमालयन है ना उसके जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है मरगार्ड्स वगैरह सब आगे पीछे की निकाल दूँ और सब निकाल दूँ, सिंगल सीट रखूँ, अलग भयंकर वाली मॉडिफिकेशन कर दूँ, तगड़े वाली साइलेंसर तक निकाल के फेंक दूँ, साउंड भयंकर कर दूँ, फुल मॉडिफिकेशन करके पूरा रैप वैप करके अच्छे से करूँ। पर एक मन करता है क्या, एक फॉर्मल गाड़ी अच्छी लगती है, मज़ा नहीं आता थोड़ी देर के लिए, अच्छा लगता है बाद में मज़ा नहीं आता, इसलिए हिमालयन अच्छे रहे। आप बोलोगे ना तो हिमालयन को पूरा मॉडिफाइड कर देंगे अपन। ये देखो यार विदित ने ना बॉल का फंसा दी पाइप, ऐसे जो पाइप है ना यहाँ पे बॉल फंसा दी। क्या बाल काटना है, ला मैं काट देता हूँ, पिछली बार भी तो मैंने ही काटे थे तेरे बाल। बाल नहीं बढ़ रहे, इनके तो मैं क्या बेटा बढ़ तो गए, खत्म हो गए बाल, वो जो ऑयल बोला अपन ने आदिवासी, मजा नहीं मजा नहीं। त्रिचौप ऑयल अच्छा लगा ना तेको, खोपरे का तेल जो काट दिए भैया, काटे 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 काट दिए बाल, बस काट दिए और कुछ। ये देखो मम्मी अदिति के बाल काट दिए, मम्मी की जबान काट दे, बहुत बोलती है तेरी मम्मी, दादी तो फिलहाल अभी देखो बहुत दिनों के बाद मैंने टी शर्ट पहनी, इसलिए आपको दिखाने का मन करा दिखा दिया। पहले जिम जाता था ना तब पहनता भैया, और कल से जिम जा रहा हूँ मैं, बहुत दिन से सोच रहा था कल जिम जा रहा हूँ। अभी फिलहाल है ना मेरे नोज पे बारीक बारीक से बहुत ज़्यादा से पिंपल्स आ गए थे, इसलिए फिर वो नोज स्ट्रिप लगाई, उसके बाद में अभी फिर वापस फेस वॉश किया, फिर वापस अब ये लगाया भैया, मैंने इसका नाम बहुत सुना था, ये अदिति लगाती है, देख लो भैया अदिति क्या लगाती रात में सोते समय, तो फिलहाल ये वाला मैंने लगाया। अब ये क्या काम करता क्या नहीं करता इसका नहीं पता, पर अदिति लगाते देखा चोरी चुपके से अपन ने भी थोड़ा सा लगा लिया आराम से, पर शाइन आ गया यार फेस पे, एकदम फेस पे शाइन सी आ गई मस्त। क्यों कोको नाला तुमको भी लगवाना है क्या, जल्दी जल्दी बोलो क्यों नाला लगवाना है, टेको फेस चिलम लगवाना है बोमाश को। फिलहाल चीकू तो यहाँ पे सोया है, अधिक सर यहाँ पे सो गए, अधिक नीचे सो ना बेटा चाचू के पास में, क्यों नहीं जल्दी बोलो। अच्छा मम्मी ने बोल दिया ऊपर सोने का, उसको ना ऊपर मम्मी पास होने का मन करता इसलिए ऊपर आ गया वो, कोई बात नहीं एक दिन सोलेगा वापस दूसरे दिन से वापस नीचे सोएगा। ये देखो भैया सबको लगेगा ऐसी बंद है पर ऐसी चालू है, क्योंकि किसी बच्चों ने ना यहाँ से किसी ना किसी चीज़ को छेड़खानी करी है, अब मेरे को भी देखना पड़ेगा क्या हो गया। अच्छा ये लाइट बंद कर दी थी भैया, अब यहाँ की ऐसी बंद कर देते हैं। धुल गए सारे कपड़े, जल्दी जल्दी धो ले कपड़े। क्यों तू जो वाइट वाइट लगाती बॉटल हो क्या काम में आती है, फेस सीरम है तो उससे क्या होता है, विटामिन सी मिलता है, विटामिन सी धूप से ही मिलता नहीं, धूप से विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी धूप से ले लो और डी सी पे ले इससे लगा लो फिर डी उससे ले लो, ए बी सी डी एक ऐसे मिलता है।
नहीं पता।